सोचकर यही मंदिर और मस्जिद दंग है कि हमें खबर ही नहीं और हमारी ही जंग है। हमें मिलजुल कर जो है हमारी जो रवायत रही उसको भाईचारे को हर हाल में हमने उस रस्सी को थाम के रखना है और अपना जो हमारा जंगा जमनी तहजीब जो है आपको मालूम है यहाँ इस तभी पे शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है तो ये हमारे रियासत के हमारी रिवायत हमारे पेरेंट्स का हमारे समाज का हमारे जितने भी उलमा हैं या हमारे हिंदू भाइयों में जो हमारे पंडित हैं अवतार जो हैं जो पढ़ाते हैं इनको गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ाने वाले जो लोग जो हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी सोसाइटी में युवा को जो एक अच्छा लेसन दे। राजेंद्र बाज़ार एसोसिएशन थी, तालाब खटी का था, दलपतियाँ था, बाज़ार कसाबा एसोसिएशन थी हमारी, घास मंडी थी, शहीदी चौक थे, तो इस तरह बुद्धिजीवी लोग जो भी थे, दानिश्वर लोग जो थे, चैम्बर के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, पूर्णिमा हमारे डिप्टी मेयर हैं बीजेपी उनको बुलाया, कॉरपोरेटर था हमारे गोपाल शर्मा जी उनको बुलाया, तो बिट्टू जी महंत हमारे हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं वो, तो उन सबको बुलाया। ये हमारे जब भी यहाँ हिंदू भाइयों के जुलूस निकलते हैं हमारे तमाम जो हैं तालाब खटीका के गुजर नगर के तमाम मुस्लिम जो हैं यहाँ छबीले लगाते हैं, मशरूबात देते हैं, तो इसी तरह हमारे जब मुस्लिम भाइयों का कोई ईद मिलादुलनबी का जुलूस होता है या हमारे शिया बरादरी का जुलूस निकलता है मुहर्रम का तो वो लोग भी अपने छबीले लगाते हैं। तो हमारा वो एक रिवायत रही है कि हमने यहाँ का माहौल जो है वो अमन शांति को कायम दायम रखा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में और विशेषकर जम्मू संभाग में पिछले कुछ दिनों से जो है वो माहौल कुछ तनावपूर्ण है और संकट में है, तो आपसी भाईचारा प्रेम वजह क्या है वो आप सब जानते हैं। देश की न्यायालय और देश का कानून जो है वो उस वजह से डील करेगा, लेकिन भाईचारा और प्रेम ये बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है और इसी को लेकर जो है वो कुछ हमारे जो भाई बंधु हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल हैं, सभी ने आज जम्मू में जो है वो वार्ता की है। प्रशासन के लोग भी शामिल थे, पुलिस के लोग भी शामिल थे और मकसद एक था कि कैसे भाईचारा और प्यार जो है आपसी प्यार जो है वो बरकरार रखा जाए। इस समय मेरे साथ ये सभी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। मेरा नाम आशोक हुसैन खान है। हाँ साहब, आज एक मीटिंग आप लोगों ने की है जिसमें सभी कम्युनिटीज़ के लोग शामिल थे, क्या उसमें बातचीत? देखिए, हमने जो मीटिंग कल बुलाई थी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के भाईचारा अमन शांति के लिए मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ दिनों से यहाँ हालात जो हैं वो ख़राब चले जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में हमने चाहा कि नहीं, हम मिल कर एक कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक रवायती भाईचारा है, एक परम्परा रही हमारे भाईचारे की, क्योंकि जब जब भी यहाँ 2018 हो, 2013 है, 10 है, हालात ख़राब हुए तो हम सब मिलकर हमने हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब ने मिलकर हमने यहाँ आपसी भाईचारे को कायम दायम रखा हुआ है। तो वो एक रवायत को कायम रखते हुए हमने देखा कि यहाँ कुछ हालात कुछ जगहों पे जो है इसकी ये चिंगारी जो है दिल्ली से यहाँ भी आप पहुँची है, तो उस चिंगारी को पानी का डालें हम ताकि वो चिंगारी मजीद जो है न फैले। तो उस सिलसिले में हमने तमाम अपनी जो राजेंद्र बाज़ार एसोसिएशन थी, तालाब खटी का था, दलपतियाँ था, बाज़ार कसाबा एसोसिएशन थी हमारी, घास मंडी थी, शहीदी चौक थे, तो इस तरह बुद्धिजीवी लोग जो भी थे, दानिश्वर लोग जो थे, चैम्बर के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, पूर्णिमा हमारे डिप्टी मेयर हैं बीजेपी उनको बुलाया, कॉरपोरेटर था हमारे गोपाल शर्मा जी उनको बुलाया, तो बिट्टू जी महंत हमारे हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं वो, तो उन सबको बुलाया, तो बहुत बड़े मुझे खुशी हुई कि सब लोगों ने यहाँ वो चिंता जताई कि भाई हमें अमन शांति का माहौल रखना है, क्योंकि ये हमारा एक बहुत पुराना रिवायत रही है। हमारे जब भी यहाँ हिंदू भाइयों के जुलूस निकलते हैं हमारे तमाम जो हैं तालाब खटीका के गुजर नगर के तमाम मुस्लिम जो हैं यहाँ छबीले लगाते हैं, मशरूबात देते हैं, तो इसी तरह हमारे जब मुस्लिम भाइयों का कोई ईद मिलादुलनबी का जुलूस होता है या हमारे शिया बरादरी का जुलूस निकलता है मुहर्रम का तो वो लोग भी अपने छबीले लगाते हैं। तो हमारा वो एक रिवायत रही है कि हमने यहाँ का माहौल जो है वो अमन शांति को कायम दायम रखना है। अगरचे कुछ लोग चाहते हैं, चाहे अंदर से हैं बाहर से हैं, वो यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो वातावरण जो माहौल है उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इस ताक में होते हैं कि कोई ना कोई साजिश की जाए, वो ऐसे माहौल को देखते हैं ताकि इसको जो है चिंगारी लगाई जाए और मजीद जो हालात जो ख़राब हो जाएं। उसके लिए हमने कहा कि हमें मिलजुल कर जो है हमारी जो रवायत रही उसको भाईचारे को हर हाल में हमने उस रस्सी को थाम के रखना है और अपना जो हमारा जंगा जमनी तहजीब जो है आपको मालूम है यहाँ इस तभी पे शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है, तो ये हमारे रियासत के हमारी रिवायत रही है।
तो उसको मतलब एक बात तो आप मानते हैं, देखिए आप इतने उम्रदराज लोग हैं, आपने एक बहुत लंबा समय देखा है हिंदू मुसलमान जो है वो एक साथ रहे हैं, आज भी जो है वो बहुत भाईचारा प्रेम है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है जो शायद टीवी इंटरनेट इन सब के ज़्यादा करीब है, अपनों के करीब नहीं है, तो उसमें एग्रेशन ज़्यादा है और माहौल जो है वो एकदम से ख़राब करने में वो कहीं ना कहीं कूद पड़ते हैं। देखिए हम इसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको वही इशारा दिया था कि अंदर के बाहर से, अंदर के बाहर के ये हमारा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो है ये इस कदर झूठी खबरें फैला देता है कि ये आग का काम करते हैं। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, युवा पीढ़ी हमारी सही इस्तेमाल करें और एक तरक्की की तरफ रियासत का, आवाम का, अपने इलाके का वो काम करें, अच्छी सोच रखें, अच्छे जो उसमें अच्छी बातें भी हैं बुरी बातें भी हैं, आप बुरी बातें देखेंगे तो बुराई सीखेंगे, अच्छी बातें देखेंगे तो अच्छा ही है। तो इसमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे समाज का, हमारे जितने भी उलमा हैं या हमारे हिंदू भाइयों में जो हमारे पंडित हैं, अवतार जो हैं जो पढ़ाते हैं इनको, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ाने वाले जो लोग जो हैं, तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी सोसाइटी में युवा को जो एक अच्छा लेसन दें, प्यार मोहब्बत का लेसन दें, तालीम की तरफ दें और अपनी रियासत को, अपने इलाके को डेवलप करने की है, डेवलपमेंट के काम करें, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा काम करेगा। सबसे बड़ा जो काम जो है, गलत काम जो है फैलाने में, आग लगाने में, ये सोशल मीडिया है, तो इसको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, आप मार्केट से जुड़े हुए हैं, मार्केट के बहुत से लोग आए थे, तो ये भी कहीं ना कहीं युवाओं को सोचना चाहिए कि जो ये सब वो करते हैं इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर पड़ता है, और टूरिज्म कम आने की वजह से एक आम आदमी जो कि रोजी रोटी वहीं से कमाकर खाता है, उसके घर में रोटी कम जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके कृत्य का इम्पैक्ट जो है वो आखिरी गरीब आदमी को वो झेलना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जो अगर युवा इसका कदर समझदार हो जाए तो फिर क्या था, हमें क्या परेशानी थी। देखिए आज जम्मू कश्मीर में 30 साल से टर्माइल, हालात ख़राब है यहाँ, तो उसका क्यों इम्पैक्ट जो है कारोबार पर पड़ता है, टूरिज़्म आता नहीं यहाँ, पर्यटन यहाँ नहीं आते, हम देखते हैं वो हालात खबर है, वो कहते हैं आतंकवाद है, वो एक छोटा सा वाक़ा हो जाए तो तमाम दुनिया के अंदर वो मीडिया लोग कह देते हैं वो हालात ख़राब है, वो को आता नहीं है, तो ये एक दरबार मुँह का मसला भी बन गया, आगे हमारा कारोबार है नहीं। तो ये जो है बच्चे अगर हमारे नौजवान युवा समझे तो वो अच्छा काम करें, तो मेरे ख्याल में वो उनको मालूम नहीं हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। आज देखिए यहाँ का कारोबार नहीं है, रेहड़ी वाला क्या कर रहा होगा, दिहाड़ी वाला क्या कर रहा होगा, आज लोग धरने पर हैं, लोग रोज़गार इतना नहीं है, तो उनको चाहिए कि पॉजिटिव सोच रखें और ऐसे माहौल में उनका अहम रोल बनता है। और युवा जो है, युवा ही एक तहरीक को आग लगाते हैं, एक तहरीक को ठंडा कर सकते हैं, अगर वो अच्छा काम करें तो मेरे ख्याल में हमें ये बहुत सारी हमारी परेशानियां गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की परेशानियां हल हो सकती हैं, बशर्ते कि युवा सही लाइनों पर काम करें। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं सभी से, देखिए क्योंकि माहौल जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर का ख़राब करने की कोशिश है और हर कोई जो है वो डिस्टर्ब है, भाईचारा, प्यार, अमन, शांति संकट में है, तो ऐसे में मैं भी ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ बैठे हैं, बेशक बाजार से जुड़े हैं, मामला ये है कि हर किसी को जो है वो अपना घर बहुत प्यारा होता है और ये जम्मू कश्मीर भी हमारा घर है, और अगर घर में कोई अंतर्कलह है तो मसले को बैठकर सुलझाया जा सकता है, लेकिन वो बुरी तस्वीरें और वो बुरे बयान जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, बेशक वो हिंदू हो, बेशक वो मुसलमान हो, बेशक वो सिख हो। सर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को अपील करना चाहूँगा कि वो इस कठिन घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में वो यकजा होकर, इकट्ठे होकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो है अमन, शांति और भाईचारे पर काम करें। और साथ ही साथ मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि ऐसे आदमियों के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए जो जाकर टीवी चैनलों पर जाकर अनाप शनाप बकें किसी मज़हब के, चाहे वो किसी भी मज़हब पे हो, उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा एक कानून बनाया जाए कि ऐसे आदमियों के लिए इबरत हो, ताकि दूसरा कोई इस किस्म की हरकत ना करे और यहाँ अमन और शांति कायम रहे। एक शेर मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि सोचकर यही मंदिर और मस्जिद दंग हैं कि हमें खबर ही नहीं और हमारी ही जंग है। ये बहुत गहरी बात है कि मंदिर और मस्जिद जो हैं वो कभी भी आपस में लड़ना नहीं सिखाते, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसलिए प्यार और शांति बनाए रखें। अगर कुछ छुटपुट होता भी है तो अपनी समझ से, अपने संयम से उस पर नियंत्रण करें, क्योंकि हम सब ने
यहाँ पर एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, जैसे पहले थे वैसे ही आगे रहना है, और किसी भी चीज़ को भड़काकर या सोशल मीडिया के आवेश में आकर जो है हम अगर कुछ कर रहे हैं गलत, तो जनाब सिर्फ एक काम, अपना ही घर जला रहे हैं। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।